मलयालम फिल्में जो अपनी कंटेंट को लेकर हमेशा ही कुछ स्पेशल लेकर आती हैं, इस बार एक ऐसी मलयालम फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। फिल्म का नाम है कोल्ड केस। मैं अनुभा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सिल्वर स्क्रीन इंडियन में। चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और अपना प्यार में ऐसे ही देते रहिए। डायरेक्टर तनु बालक की ये फिल्म एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, एक मर्डर मिस्ट्री या इन्वेस्टिगेटिंग थ्रिलर फिल्म, जिसमें लीड रोल में नजर आएंगे पृथ्वीराज सुकुमारन। इसमें हमें सुपर नेचुरल पावर्स या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखने भी मिल रही है, जैसे कि ट्रेलर में भी साफ साफ नजर आ रहा था, कुछ वैसा ही हमें फिल्म में भी नजर आया। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि एक ह्यूमन स्कल मिलता है और वो भी बहुत सालों के बाद। अब ये किसका है, किसका मर्डर हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी चीजें हमें देखने मिलती हैं इस फिल्म में। फिल्म में हमें दो पैरेलल प्लॉट्स एक साथ नजर आ रहे हैं। पहला है वो जहाँ पर ह्यूमन स्कल मिला है और उसकी कमान सौंप दी जाती है पृथ्वीराज सुकुमारन को, और इसी के साथ साथ एक और प्लॉट पैरेलल रूप में चल रहा है, वो है अदिति बालन का कैरेक्टर जो है अपनी बेटी के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि इस घर में कुछ ऐसा हो रहा है जो उन्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अलग और बहुत ही डिफरेंट है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये दोनों प्लॉट्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है जो दोनों प्लॉट्स को जोड़ता है? अदिति बालन और पृथ्वीराज सुकुमारन, इन दोनों के कैरेक्टर्स के साथ जो भी कुछ हो रहा है, क्या वो एक साथ कभी जुड़ पाता है? बस ये देखना है हमें इस फिल्म में। कई सालों पहले हुआ एक मर्डर, क्या सॉल्व हो पाएगा? क्या जान पाएंगे हम कि कौन मरा था, किसने किसको मारा था, क्या हुआ था आखिर? ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत सालों के बाद इस केस को खोला गया है और इसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए शायद इसका टाइटल दिया गया है कोल्ड केस। अब बात करते हैं कि फिल्म कैसी है। अगर मैं एक शब्द में कहूं तो बस ओके फिल्म है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अगर कुछ बहुत प्रोडक्टिव नहीं है आपके पास करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो एंड है वो हमें कहीं पर एक टीज देकर छोड़ जाता है, और फिर हमें एहसास होता है कि ये उन मलयालम थ्रिलर फिल्मों में से एक नहीं है जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था। मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहती, आप खुद ही देख लीजिएगा, आप खुद ही महसूस कर पाएंगे, शायद मेरी फीलिंग को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। लेकिन इस फिल्म में बेस्ट पार्ट की बात करूं तो वो है इन्वेस्टिगेशन। जी हाँ, जिस तरीके से की गई है, फॉरेंसिक का जो पार्ट दिखाया गया है, जिस तरह से एटीट्यूड बताया गया है, वो बहुत ही बेमिसाल है और हमें पूरी तरह से एंगेज करके रखता है। बात करें दूसरी तरफ चलने वाली पैरेलल स्टोरी की, जिसमें अदिति बालन लीड रोल में काम कर रही है, उनका जो कैरेक्टर है मेधा का कैरेक्टर, वो अपने आप में काफी कंफ्यूजिंग लगा। ऐसा लगा कि वो जो चाह रही थी वो कर नहीं पा रही है, वो जो कर रही है वो चाह नहीं रही थी। ये काफी कंफ्यूजिंग कैरेक्टर हमें भी पूरी तरह से कंफ्यूज करता है, ये इस फिल्म का एक ड्रॉबैक है। इस फिल्म में दो जनर के एक साथ लाया गया है, एक है क्राइम थ्रिलर वाला पोर्शन और दूसरा है इसका हॉरर। दोनों चीजों को एक साथ लाने की कोशिश जरूर की गई है, जो कि काफी अच्छी हो सकती थी, लेकिन उतनी बेहतर नहीं होती जितने की उम्मीद की गई थी। फिल्म देखने पर आपको कई चीजें ऐसी लगेंगी जिनका सेटिस्फाइंग कनेक्शन आपको नहीं मिल पाएगा, जो आपको निराशा देता है। इस फिल्म को देखने पर आपको कई मलयालम फिल्मों की और याद आ सकती है, जैसे कि फॉरेंसिक, जिसमें फॉरेंसिक में बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया था सब कुछ, जो इन्वेस्टिगेशन होता है, और प्रीस्ट की भी आपको काफी हद तक याद आएगी। अगर फिल्म की साउंड डिजाइन की तो काफी अच्छा है, एक हॉरर फिल्म के लिए जो चाहिए होता है वो इसमें डाला गया था, लेकिन फिर भी जो जंप स्केयर के साथ डराने की कोशिश की गई है उतना ज्यादा हम नहीं डर पाते, क्योंकि हम कहानी से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते। की सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है, देखने में काफी अच्छा लगता है और लगता है कि कैमरा वर्क भले अच्छे तरीके से किया गया था, लेकिन फिर भी इन सब चीजों के साथ भी हम पूरी तरह से कनेक्टिविटी नहीं बिठा पाते। बात करें कास्ट परफॉर्मेंसेस की तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कास्ट ने, बहुत अच्छा काम किया है। पृथ्वीराज सुकुमारन ने बहुत बेहतरीन काम किया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में, लेकिन कमाल की बात यह है कि उनके कैरेक्टर में कोई और अलग डायमेंशन देखने बिल्कुल नहीं मिलता, सिर्फ वो एक ऑफिसर है, काम कर रहे हैं और अपना काम कर देते हैं, जो कि हमें काफी निराशा कर जाता है। पृथ्वीराज सुकुमारन ने अपने एटीट्यूड, अपने बॉडी लैंग्वेज, हर चीज से बहुत बेहतरीन काम किया है, उन्हें देखना काफी अच्छा लग रहा है। अदिति बालन का कैरेक्टर काफी अच्छा है और उन्होंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि उसको अच्छे से निभा जाए, लेकिन बात यह है दोस्तों कि उनका कैरेक्टर ही काफी कंफ्यूजिंग है, जो हमें भी कंफ्यूजन देकर चला जाता है, इसीलिए कुछ खास मजा नहीं आता। बात करें फिल्म के फर्स्ट हाफ की, जो काफी अच्छा लगता है लेकिन प्रेडिक्टेबल था, सेकंड पार्ट जिसमें इन्वेस्टिगेशन जोरदार तरीके से चलने लग जाती है और हमें काफी कुछ चीजें देखने मिलती है, फिर भी वो काफी कुछ प्रेडिक्टेबल सी हो जाती है। ज्यादा मजा किरकिरा कर देता है इसका क्लाइमेक्स। जी हाँ, क्लाइमेक्स देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये ऐसा नहीं, कुछ और होना चाहिए था। फिर भी फिल्म जो है वो वन टाइम वॉच जरूर है, आप अपनी फुल फैमिली से एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप क्राइम थ्रिलर फिल्में पसंद करते हैं या पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्में आपको पसंद है, तो फिर ये फिल्म आपके लिए है।
आप इसे एक बार जरूर देख सकते हैं, लेकिन हाईली एक्सपेक्टेशन के साथ इसे बिल्कुल मत देखिएगा। इसे देखने के लिए आपको कहीं जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसे Amazon Prime पर अपने होम थिएटर में एंजॉय कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो नए रिव्यू में, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।